नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलवर्जी लैब। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में भी भारत दूसरे देशों से काफी आगे है, इसी को लेकर आज की हमारी ये खास पेशकश है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत में अब टेक डिवाइसेस से सबका नाता है। हर घर में शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल यूज ना करता हो, तो वहीं हाल के रिकॉर्ड भी ये बयां दे रहे हैं कि भाई इंटरनेट की दुनिया में भी भारत पीछे नहीं है, बल्कि जिस तरह से भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं अन्य दूसरे देशों के मुकाबले, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस मामले में अमेरिका से आगे है भारत, वहीं अगर पीछे है या यह कह ले केवल एक देश है चाइना जो आगे है भारत से, तो कोई बात नहीं, वो दिन दूर नहीं जब इसमें भी भारत बाजी मार लेगा। क्योंकि भारत दुनिया में रिकॉर्ड बनाने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बात हम नहीं बल्कि प्राप्त आंकड़े बता रहे हैं। तो चलिए आपको यूजर्स यानी भारत की डिजिटल जनसंख्या का हाल समाचार दें एक नजर दें। दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा यानी 102 करोड़ इंटरनेट यूजर्स अकेले चाइना के हैं, तो वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में 65.2 करोड़ के आंकड़े के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ आंकड़े बताते हैं कि कितना फर्क पड़ा डाटा के उपयोग करने के मामले में। तो 2018 तक एक भारतीय प्रति माह करीब 3.2 GB डाटा का ही उपयोग करता था, तो वहीं 2019 से इंटरनेट डेटा का उपयोग काफी बढ़ा। इसके चलते 2021 तक आंकड़ा 17 GB प्रति माह तक पहुंच गया। दुनिया भर में 503 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, यानी 470 करोड़ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही है। कीमत की बात करें तो इस हिसाब से इंटरनेट डाटा की कीमत के मामले में भारत 5वें नंबर पर है विश्व में। वहीं एक हिसाब से औसतन 1 GB डाटा की कीमत भारत में 13.92 रुपए है। तो दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के मामले में भी भारत बस एक ही कदम पीछे है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए भारत दुनिया के उन देशों में लिस्ट में 5वें नंबर पर अपना स्थान रखता है जहां पर इंटरनेट सबसे ज्यादा सस्ता है। दोस्तों, ये थी पूरी बात इंटरनेट की दुनिया की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।